अमजद, हाँ कहाँ गायब हो गए? अरे कहीं नहीं यार, बस ऐसे ही। आओ चलो अंदर चलो। नहीं अभी नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह आऊंगा, आराम से आऊंगा। रुहान बेटा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, पापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और आप ऑफिस से छुट्टी ले लेते ना, सारा घर फैला हुआ है। अरे आज ही बॉस ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रख दी है, मीटिंग अटेंड करके वापस आ जाऊंगा मैं। आपने तो जूस भी नहीं पिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ओके बाय। हेलो, कौन है? आप कौन है वहाँ? क्या हो गया है? मैं हूँ, तुम्हें फोन की स्क्रीन पर नहीं देखा जो ऐसे पूछ रही है। सॉरी वो। हेलो हेलो, बिना देखी कॉल अटेंड कर दी। शोएब हेलो, मुझे अकेले इस घर में बहुत डर लगता है। हाँ फजूल बातें सोचती रहती हो यार तुम। अच्छा बात सुनो, मैं आधे घंटे में रोहान को तुम्हारी अम्मी के घर से लेता आ रहा हूँ, ठीक है? अम्मी को कॉल करके बता दो। ओके ओके।
क्या वो डॉक्टर हानिया ठीक तो है? रिलैक्स, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस हालत में इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ दिन आप इनके साथ ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। इस हालत में मतलब? शी इज एक्सपेक्टिंग। आप इन्हें जल्द अज जल्द किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी वीकनेस हो गई थी जिसके वजह से बेहोश हो गई है। इंजेक्शन लगा दिया है मैंने। क्या हुआ, ठीक तो हो? मैंने उस औरत को देखा है। कौन औरत? आज मैंने उस औरत को हकीकत में देखा है। ख्वाब था यार, रिलैक्स। ख्वाब नहीं था, मैंने उस औरत को हकीकत में देखा। क्या बातें कर रही हो, अभी कह रही हो ख्वाब में देखा है, अब कह रही हो हकीकत में देखा है, क्या हो गया है तुम्हें? कोई औरत औरत नहीं है। शुएब, तो मेरा यकीन करो, मैंने उस औरत को हकीकत में देखा है। अरे कोई औरत औरत नहीं है, कुछ नहीं है। अभी एक लेडी डॉक्टर आई थी तुम्हें चेकअप करने के लिए, तुम्हारा उसकी आवाज सुनी होगी तुमने सोते हुए। डॉक्टर आई थी? हाँ। क्या हुआ रोहन को? किसी को कुछ नहीं हुआ है, रोहन को मैंने पिक नहीं किया, कल उसे अम्मी खुद ड्रॉप करवा देंगी। और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी हालत में तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। इस हालत में क्यों, क्या हुआ मुझे? You are expecting again. वाकई? जी वाकई। लेकिन शुएब, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? शुएब यकीन करो, उस औरत को मैंने हकीकत में देखा है। वो फानिया हद होती है यार, इतनी खुशी की खबर सुनाई है तुम्हें मैंने और तुम इस मौके पे क्या बातें लेके बैठ गई हो यार। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ, आराम करो तुम, ठीक है? मैंने उस औरत को देखा। आज मैंने उस औरत को हकीकत में देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज आप जल्दी आ गए, खैरियत? हाँ यार बस यूं, वो आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो सोचा तुम लोगों के साथ वक्त गुजारूं। अच्छा किया, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे रोहन, क्या हुआ? रोहन गार्डन में गिर गया, मैं उसको जाके देखता हूँ। अरे वो तो सो रहा है अपने कमरे में।
गैर जानबदारी का सहाफी गैर जानबदारी का दावा, मगर मैं गैर जानबदार नहीं रह सकता। हेलो, कौन? शुएब कहाँ हैं आप? आप जल्दी घर आएं। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, लेकिन आप मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। यहाँ यहाँ कोई है? क्या हुआ आनिया, क्या देखा है तुमने? मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने कल सारा क्या देखा है तुमने? हेलो, तुम इस घर से जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरा बच्चा दिए बगैर तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती थी। रुहान तुम्हारा, आने वाला मेरा, याद रखना, आने वाला मेरा। रुहान, आनिया, आनिया, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आनिया, आंटी आएंगी, नाना मुझे झूला भी झुलाया। आंटी, कौन आंटी, कौन आया था बताओ? आनिया, कौन आया था बताओ? मेरी बात का यकीन नहीं है, अब बात हमारे बेटे तक आ पहुंची है। बताओ बेटा, कौन आया था, कौन आंटी आई थी? पापा एक वाइट ड्रेस में आंटी आएंगी और नाना मुझे झूले भी झुलाया। वो कह रही थी कि मैं हमारे माँ बाप का बेटा और मेरा एक और भाई आएगा, मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं बेटा, कोई किसी को नहीं लेके जाएगा अपने साथ। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा बेटा, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। शुएब पूरा दिन निकल गया इस पैकिंग में, हमें तो शाम से पहले निकलना था ना। हाँ हाँ, रात को रुक थोड़ी रहे, बस थोड़ी देर की बात है। मामा, मुझे गार्डन में जाना है। नहीं बेटा, बहुत काम। मामा, गार्डन में जाना है। हाँ नहीं, तुम इसको लेके गार्डन में जाओ, मैं पैकिंग कर रहा हूँ। चलो, क्या दिखाना है आपने गार्डन में मुझे? मैंने कहा था ना, ये बच्चा मेरा है, ये मेरा। आनिया, उठो। आनिया, क्या हो गया? आनिया, आनिया उठो, आनिया, आनिया। ऐसा है,
no respect to him. मैंने कहा था ना, ये बच्चा मेरा, मेरे तुम इस घर से जाने का सोच भी नहीं सकते। मेरा बच्चा दिए बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। रुहान तुम्हारा, आने वाला मेरा, आने वाला मेरा।